हेलो, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। और आज का जो लुक है ना, वो इतना ब्यूटीफुल हम करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना कि कैसे आप सिंपल स्टेप में एक परफेक्ट ग्लोई मेकअप कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने इनके स्किन के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दिया। देखो, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़ा सा करेक्टर लगा दिया। ये जो करेक्टर है वो थोड़ा सा ब्राउन और ऑरेंज कलर का मिक्सचर था। उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई किया है फाउंडेशन। फाउंडेशन को डैप 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 करके इस टेक्निक से लगाएंगे तो आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कंसीलर। कंसीलर को हमें हमारे चेहरे के जो हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगाना है, और बाकी के जो लो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमें कॉन्टोर करना है। मतलब कि डार्क कलर से क्रीम कॉन्टोर करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेडिंग दे सकते हैं हमारे चेहरे के ऊपर। जैसे आप कॉन्टोर कर लेते हैं नोज़ के ऊपर, चिक्स के ऊपर, जॉलाइन के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। ये ब्लश देखिए कितना ब्यूटीफुल पीचिश पिंक कलर है। एंड देन हम यहाँ पे पाउडर का एप्लीकेशन कर रहे हैं। यू कैन यूज़ एनी लूज पाउडर अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर। सो जैसे आप ये वाला टेक्निक करते हैं उससे परफेक्ट बेस बन जाता है। थोड़ा सा ब्लश एंड हाइलाइटर का टचअप दे देंगे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आपका बेस रेडी हो जाता है। मेक श्योर जैसे जैसे मैं जहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ आप वहीं पे लगा रहे हैं, सो दैट आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। मेकअप फिक्सर लगा के इस बेस को सेट कर देंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे सके। जब भी आप कोई बेस कर रहे हैं तो आप जितना अच्छे से मेकअप फिक्सर अच्छे ब्रांड का लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड आफ्टर दैट हम उनके आईब्रो को थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आंखों के मेकअप में आईब्रोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं आई शेडो। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे काजल लगाया है, और काजल को हम छोटे से ब्रश के साथ थोड़ा सा स्मच कर रहे हैं, और इसी स्मच को हम हल्के से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ताकि आंखें बहुत ही प्यारी एकदम मछली की तरह लगे। अब एक आई शेडो से उस काजल को हम सेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे ऊपर के आईज के लिए। हमेशा आई शेडो की शुरुआत आपको लाइट ट्रांजिशन कलर, मतलब कि कोई भी लाइट ब्राउन कलर से करेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। सो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लाइट ब्राउन कलर लगा रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम ब्राउन कलर का एप्लीकेशन कर रहे हैं आउटर कॉर्नर में। ये जो आई शेडो है वो बहुत इजी है, आप कोई भी छोटी बड़ी आंखों के ऊपर कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लुक में, साड़ी में, कोई भी आईज पे ये प्यारा लगता है। सो बाहर की तरफ थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लगाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक प्यारा सा शिमर जो इनर कॉर्नर में है आँखों के अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। सो यहाँ पे हमने दो शिमर लगाए हुए हैं, जैसे एक हमने लगाया है थोड़ा सा कॉपर शिमर, एक हमने गोल्ड लगाया है, क्योंकि उनके आउटफिट में ये दोनों कलर अवेलेबल है। सो दोनों कॉर्नर में हम अंदर कॉर्नर में हल्का सा यू नो हाइलाइटर कलर लगाएंगे, एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लिटर। ये प्रेस ऑन ग्लिटर है जो ईजीली आँखों के ऊपर लग जाता है, और बाद में हम सेम काजल पेंसिल लगा के इनकी आँखों पे स्मज लाइनर का इफेक्ट देंगे ताकि इनकी आँखें अच्छी लगें, ब्यूटीफुल लगें। और बहुत ही मॉडर्न तरीके से हमने ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन ब्राउन कलर का आई शेडो यहाँ पे किया हुआ है। मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। मेक श्योर यू आर यूजिंग अ मस्कारा वॉन। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, आप हमें अगर फॉलो कर रहे हैं, सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। लैशेज एंड लिपस्टिक लगाने के बाद हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं ये लुक। लेकिन आप ज़रूर से ये ट्राई करना, हमें ऐसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे प्यार देते रहना, एंड हम अच्छी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करते रहना।